ऑलराइट हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आप सबका वेलकम है मेरे ट्यूटोरियल में। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है अंडर वाटर मैनिपुलेशन। और ये पैक आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको इजीली वहाँ से डाउनलोड एक्सेसिबल हो जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। बजाय आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी मैनिपुलेशंस को देख सकते हैं, फोटोशॉप क्रिएशंस देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे हैं पहले से। ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ें और जो भी टाइटल में नाम दिया होता है वीडियो का, उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होती है वो फाइल, या मेरे इंस्टाग्राम पे जो भी उसका कंसेप्ट नेम होता है तो उसके हिसाब से दिया होता है मैंने नाम। तो आप दोनों जगह चेक कर लीजिए, आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको लाता हूँ अपने मेन पार्ट में कि हेडिंग कहाँ से होती है और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इस चीज़ की, हर चीज़ की। सबसे पहले एक 4x5 का मैंने ब्लैंक लेयर बना रखा है, ब्लैक है ये लेयर, और इसलिए यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड इंसर्ट करा है। जस्ट ये अनस्प्लैश .com से ये वाला, ठीक है, तो मेरे को जस्ट इतना पार्ट चाहिए इसका। ठीक है, तो ये नीचे का मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, तो जस्ट इसे कंपोजिट करता हूँ मैं थोड़ा सा। थोड़े यहाँ से मैं माउंटेन्स डाल देता हूँ और फिर यहाँ पे माउंटेन्स थोड़े फेडी टाइप से, सेम पीछे की ये जो फॉग है उसी को यूज़ करते हुए जस्ट फेडी टाइप माउंटेन मैंने क्रिएट कर रखे हैं। और मास्क में कुछ है नहीं इतना खास जो मैं आपको दिखाऊं, तो आप मास्क भी देख सकते हैं। जस्ट वहाँ पे मैंने इरेज कर रखा है और यहाँ पे थोड़ा मास्किंग अलग कर रखा है। ठीक है, तो मास्क दिखाना एक बेटर ऑप्शन लगा मुझे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तक तो बहुत इजी था। उसके बाद यहाँ मैं अपने आप को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, और बहुत क्लोज़अप फ़ोटो थी, क्लोज़अप नहीं थी, बहुत दूर की फ़ोटो थी और उसे क्लोज़ कर रखा है। और ये हेयर्स का सिलेक्शन आप देख सकते हैं कितना फाइन कर रखा है मैंने, तो इसकी वीडियो डाल रखी है मैंने अपने चैनल पे, आप वो देख सकते हैं हेयर सिलेक्शन की कैसे इजीली होता है। और अपने किसी फ्रेंड को भी आप रेफर कर सकते हैं वो ट्यूटोरियल, अगर वो फोटोशॉप यूज़ करता हो तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। सो शेयरिंग इज केयरिंग एट लास्ट। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं हर चीज़ लाता हूँ और ये ट्यूटोरियल मेरा इंस्पायर्ड है जीहन डिज़ाइन शायद नाम था उस इंस्टाग्रामर का। तो जब मैं पोस्ट करूँगा इमेज तो ज़रूर मेंशन करूँगा डाउन, क्योंकि एक ये कंसेप्ट उन्होंने टाइगर के ऊपर करा था और लाइक फियरलेस भी विजय महार का इसी से ही इंस्पायर्ड था। ठीक है, लेकिन मेन जैन डिज़ाइंस ने करा था शायद, तो एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ इंस्टाग्रामर का नाम। हाँ, जेंस डिजाइन, जेंस गेमर नाम से है, जेंजा गेमर, जेंजा गेमर। बहुत अच्छी अच्छी मैनिपुलेशन है और इनका जो जैगुआर टेकिंग बात है तो उस ट्यूटोरियल को मैंने देखा था और जस्ट वहाँ से मुझे इंस्पायर रहा कि यार जब जैगुआर पे हो सकता तो हम पे क्यों नहीं हो सकता, और हम पे हो सकता तो अच्छे से क्यों नहीं हो सकता। तो जस्ट ग्लो का टच देते हुए मैंने ये जस्ट अपने वे में थोड़ा सा क्रिएट करा है और रेफरेंस सुनी गई है तो जाएगा, इंस्पिरेशन का कंटेंट और टैग उनको ज़रूर जाएगा और मेंशन करूँगा मैं किसी का कंटेंट जब भी यूज़ करता हूँ तो उसे ज़रूर मेंशन करता हूँ, आप भी मेंशन करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे को कंटेंट्स प्रोवाइड थे वो मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड हटाओ, बैकग्राउंड बाद में डाला था। ठीक है, हाँ, और फिर ये हेयर्स थोड़े से ऐड कर रखे थे। अगर आपको हेयर्स भी नहीं ऐड करने आते तो उसी ट्यूटोरियल में मैंने एक्सप्लेन भी करा है हेयर्स कैसे ऐड करे थे।
तो आप वॉच करें वो ट्यूटोरियल, आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। तो सबसे पहली जो लाइन थी वो ये थी, और ये कैसे अचीव हुई थी, जस्ट एक पार्ट है और उसको यहाँ से मास्क कर रखा मैंने नीचे से, जस्ट सिंपल ब्रश लिया और यहाँ पे मैंने ब्लैक से, आप देख सकते हैं ठीक है, तो ऐसे मास्क हो जाता है। अब उसके बाद मैंने थोड़ा कलर को फेड करा था यहाँ से, सैचुरेशन डाउन कर के और लाइटनेस डाउन करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक जो वॉलपेपर प्रोवाइडेड था तो उसे यूज़ करा था मैंने, ब्लैक ब्लू कलर, तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो बॉक्स है उसमें डाउनलोड होगा, पूरा होगा ये सारा कंटेंट, ठीक है। तो इसे मैंने हार्ड लाइट मोड पे कर रखा है कि वो मेरी स्किन पे भी इफ़ेक्ट करे और टी शर्ट पे भी इफ़ेक्ट करे, ठीक है। तो जस्ट एक डायरेक्ट है और कोई वो नहीं है, अगर नॉर्मल रखूँगा ऐसा और हार्ड लाइट में ऐसा है, ठीक है। उसके बाद मुझे कलर देना था अपने स्किन को, लाइक ये वाले पार्ट का जो ऊपर है, ठीक है। थोड़ा मैं ऐड कर देता हूँ बैकग्राउंड, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। हाँ, तो मेरे को यहाँ ऐड करना था ये वाला कलर, तो इस कलर को मैंने यहाँ ऐड कर रखा है। जस्ट ब्रश लेंगे आप ऑल्ट सैंपल और जस्ट उसी कलर को आपको पेंट कर देना है, ठीक है। जैसे आप पेंट कर देंगे फिर उसे ब्लेंडिंग मोड कलर में लाना है, नहीं तो नॉर्मल में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और जैसे ही आप ब्लेंडिंग मोड इसका कलर में लाएंगे तो कुछ ऐसी फील आ जाएगी आपको, तो ये बहुत सही फील लग रही थी। और इसके बाद जस्ट थोड़ा सा मैंने ऐड करा था, वो था बैक, बैक मतलब कि पीछे की लेयर की जो आपकी क्या कहते हैं एक फ्लो होता है वाटर का, वो पीछे भी होगा, आपकी मुंडी बीच में से आ रही है, एकदम से फ्रंट फ्लो के आगे नहीं है। तो ये पीएनजी मैं दे दूंगा, ये पीएनजी टाइप ही है और जस्ट इसी वॉलपेपर को मैंने नीचे गिरा रखा है, लाइक कमांड प्रेस करेंगे और माउस से करेंगे तो जस्ट इजीली आप इसे ऐसे ड्रैग करके डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा पार्ट है इसका, और कुछ नहीं, और फिर मास्क आउट कर देंगे, फैदर आउट अच्छे से, ठीक है। फिर एक ब्लू कलर का यही चीज़ मैंने पीछे डाल रखी है, जो ऊपर हार्ड लाइट में करा था उसे जस्ट मैंने ऐसे नॉर्मल में पीछे ही डाल दिया था कि ये हट जाए, जो पीछे की सिटी विटी है, ठीक है, तो सिटी हट गई है उससे। और यहाँ मेरे पे एक अब एस्थेटिक लुक आ गया था, और जो वेल सेटिस्फाइड लुक होता है कि हाँ इस पॉइंट पर अब मुझे वर्क करना चाहिए, और तो वो वाला पार्ट आ गया था। और यहाँ थोड़ा कलर मैनेजमेंट करी थी मैंने HSL से, तो आप देख सकते हैं लाइटनेस जितनी आपके अराउंड हो आप प्ले कर सकते हैं, और एक थोड़ा डार्क सा लुक दीजिएगा वाटर को हमेशा, ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है। तो डार्क लुक का यहाँ मैटर क्या होता है, डार्क लुक का मैटर यहाँ पे है कि जो आप अंडर वाटर रहते हैं तो वहाँ थोड़ी कम लाइट पहुँचती है, और जो सन से भी लाइट होती है वो बहुत कम पहुँचती है। तो जस्ट एक सिंपल सा टैक्टिक है जो आपको समझना होगा, बस आपने पबजी खेली होगी तो आपको पता होगा यार। हाँ, ये हल्की सी रिम लाइट थी, और रिम लाइट अगर आपको ड्रॉ करनी नहीं आती है तो यार मैंने ट्यूटोरियल अभी डाला है जस्ट रिम लाइट के ऊपर, तो ये ड्रॉ करना आप बहुत इजीली सीख सकते हैं और बहुत आसान भी है वहाँ पे रिम लाइट ड्रॉ करना, विदाउट माउस विद माउस दोनों के ट्यूटोरियल डाल रखे हैं, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ मैंने ऐड अप करा था फेस पे थोड़ा सा मार्क,
इसकी भी पीएनजी मैं शेयर करूँगा, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ से ही सैचुरेशन पूरी खींच ली और लाइटनेस थोड़ी खींच ली, और वो जस्ट स्किन के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया मेरे। ठीक है, इतना पार्ट बहुत इजी था इस ट्यूटोरियल का। और फिर थोड़ी मैंने ओवरले डाल के हल्का सा उसे डार्केन कर रखा है। डार्केन कैसे करा है? ओवरले में यहाँ पे जब आप लेंगे और फिर यहाँ से आप ब्रश सेलेक्ट करेंगे ब्लैक ब्रश, और ओवरले में जब भी आपका मोड होगा तो आप ऐसे देख सकते हैं ये ब्लैक ही पेंट करेगा, और यहाँ अगर वाइट होगा तो वाइट ही उसे ग्लो करेगा अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क आया है एकदम से चीज़ों में, तो विदाउट और विद ओवरले आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है, और वो डेंस भी लगती है ओवरले से। उसके बाद मैंने एक फ़िश ऐड करी थी, नेट से डाउनलोड करी थी रूस्टर फिश, और फिर इसके ऊपर मैंने अटकाया था एक एंटीना जो दूसरी फिश का था जस्ट कट करके, और ये ग्रास थी जो मैंने नेट से पीएनजी निकाल रखी थी, और जस्ट उसे ऐड कर दिया थोड़ा मोल्ड करके एंड उसे थोड़ा ब्राइटन डाउन कर दिया कि वाटर के अंदर है। ठीक है, अब आईज में मैंने थोड़ा सा ग्लो डाला था। ग्लो कैसे? ओवरले वाला सेम आपको टैक्टिक ग्लो यहाँ बताया था ब्लैक और वाइट, तो उसे आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट हल्का सा आई के अंदर भी और ले से थोड़ा सा ब्रश से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ओवरले ब्लेंडिंग मोड यूज़ कराया, और यहाँ पे सिंपल एक ब्रश वाइट ब्रश, ठीक है आप देख सकते हैं, और फिर उसे ओवरले ब्लेंडिंग मोड में कर रखा है, तो आप देख सकते हैं वहाँ ग्लो क्रिएट हो गया अपने आप। तो यहाँ कोई मेथड अलग नहीं है कि मैंने कैसे करा है, सिंपल आप माउस से भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और एनहेंस करा और उसका ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट रखा, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा देख सकते हैं आप कैसे प्रीसाइज वर्क कर रहा था, तो इस बार मुझे सॉफ्ट लाइट यूज़ करना पड़ा। और फिर यहाँ दोबारा सॉफ्ट लाइट यूज़ करा था क्योंकि मेरे को यहाँ ईयर्स और इधर चिन के पास अच्छे से लाइट बनानी थी, और एक फिर एक मॉन्स्टर ग्लो जो बड़ा ग्लो होता है बिग ग्लो, तो उसे सॉफ्ट लाइट से कर रखा है। और ये भी वाइटी कलर है, इसमें आपका ओपेसिटी मैंने कम कर रखा है, तो आप देख सकते हैं सिंपल एक बड़ा ब्रश है, तो कोई फर्क नहीं है इसमें चीज़ों में। समझने के लिए कि यार आपने ग्लो कैसे क्रिएट करना होता है, ग्लो के लिए यार मैंने बहुत ट्यूटोरियल डाल रखे हैं पहले से अपने चैनल पे, आप थोरो जाएंगे तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल दिखेंगे, और ऐसे ग्लो मैंने हर फोटो में क्रिएट कर रखे हैं, तो आपको हर फोटो में इस तरीके का आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद जो जैन डिज़ाइंस जैंस क्रामर की फ़ोटो में था वो था एक एक्स्ट्रा लेयर, तो वो एक्स्ट्रा लेयर ये जस्ट मैंने दूसरी यूज़ करी है और सेम यूज़ नहीं करी है। ठीक है, तो इससे डायमेंशन और ऐड हो जाती है, तो आप देख सकते हैं जस्ट उसे मास्क कर रखा है मैंने। ठीक है, और फिर उसका कलर मैच सेम HSL से यू सैचुरेशन को इधर उधर करके, एंड उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपने फेस की भी ब्राइटनेस को टुकआउट करा था, क्योंकि यहाँ आप कलर देख सकते हैं वेरिएशन में आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा था, इतना सैचुरेशन डाउन लेके गया था। उसके बाद टैटू अप्लाई कर रखा है मैंने। ठीक है, अब आता है मेन ग्लो पार्ट। जस्ट इसे अगर आपको समझाना हो तो ग्रीन स्क्रीन, हाँ ग्रीन कह रहा हूँ मैं, दिमाग चल गया आधी रात ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो स्क्रीन आप देख सकते हैं इसलिए कैसे प्रोवाइड कर रहा है कलर, जस्ट यही है, और फिर इसे डबल क्लिक करके स्प्लिट कर दीजिए आप, ग्लो बहुत अच्छा वन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
सेम यही ग्लो टैक्टिक है, और कुछ नहीं, उसे प्रिसाइज कराया मैंने ग्रुप में। उसके बाद बबल्स ऐड करे हैं, नेट से पीएनजी है ठीक है। और उसके बाद थोड़ा यहाँ पे मैंने शेडो ड्रॉ कर रखी है रियलिज्म अचीव करने के लिए। और यहाँ पे जो शेडो मैंने ड्रॉ करी है वो करी है ओवरले मोड से, जैसे वो ब्लैक एंड वाइट वाला था, सेम ब्लैक पेंट करेंगे, वाइट पेंट करेंगे ग्लो, ब्लैक पेंट करेंगे डार्क ठीक है। और फिर मैंने यहाँ बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर ओवरले से, वही सेम वाइट पेंट करेंगे तो ग्लो, ब्लैक तो डार्क ठीक है। तो ओवरले का मैंने यहाँ बहुत यूज़ करा है। और उसके बाद फिर मेन कलर ग्रेड सिंपल, और फिर थोड़ा सा ओवरले का यूज़, और फिर ब्राइटनेस। तो यहाँ मेन पार्ट हुआ था कलर ग्रेडिंग का ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग से बहुत जान आई है मेरी फ़ोटो में, तो आप भी ज़रूर फोकस करें अपने फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग में। और यहाँ मैंने अपने कैलेंस क्लाउड के प्रीसेट यूज़ कर रखे हैं, कोई अलग ही प्रीसेट यूज़ नहीं है, सेम एक ही प्रीसेट है यार, बार बार वही यूज़ करता हूँ क्योंकि आउटपुट उसी से ही आता है। कहीं आपको लगे कि मैं कोई और यूज़ करता हूँ प्रीसेट, तो नहीं, कैलेंस क्लाउड ही है, और वो मैंने ग्रुप में डाल रखा है, तो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कोई इतना मुश्किल नहीं था यार ये ट्यूटोरियल, समझाने में बहुत इजी था, गो थ्रू बहुत इजी है इसका, और जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप इजीली गाइड ट्यूटोरियल कर सकते हैं, और फुल्ली डिपेंड मत रहिए ट्यूटोरियल्स के ऊपर कि आपको एक एक चीज़ मैं बना के दिखाऊंगा, ऐसे क्रिएट करूंगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में इतनी जान नहीं है कि मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके दिखाऊं, या मेरे पे दूसरा कंप्यूटर नहीं है कि मैं उस पर ओपन करूं और इस पर क्रिएट करके दिखाऊं। तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा आप पे लॉकडाउन के टाइम में, तो जस्ट अभी आप मैनेज कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल के साथ। और इसमें सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं कि कैसे ग्लो होगा, क्या क्या ब्लेंडिंग मोड है, तो यही सब काम आता है फोटोज़ क्रिएट करने में। और कुछ इतना मेन तो नहीं लगा मुझे, नहीं तो मैं शेयर कर देता। सो होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इसे। सो थैंक यू गाइस।